वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम लोग आपको रिसेंट एक टॉपिक लेके आए हैं, जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा है, नाम है E20 फ्यूल्स। ठीक है, यानी E20 फ्यूल्स का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो, हम क्या कोशिश कर रहे हैं, अभी तक क्या हुआ करता था, जो हमारे ऑटोमोबाइल जो थे, बाइक थी, कार जो थी, जो व्हीकल्स में तेल पड़ा करता था, जो फ्यूल पड़ा करता था, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था, पेट्रोल या डीजल इस टाइप के फ्यूल हम यूज़ किया करते हैं नॉर्मली, सामान्यतः। ठीक है, तो उसमें क्या क्या करते हैं, तो जो गैसोलीन है, मोस्टली पेट्रोल से यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इस गैसोलीन में क्या हुआ करता था, हम लोग एथेनॉल यानी कि ये C2H5OH एथेनॉल, या इसको एथिल अल्कोहल भी बोला जाता है, इसकी थोड़ी सी मिक्सिंग कर दिया करते थे, यानी थोड़ी सी उसमें मिला दिया करते थे। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल मिला दिया करते थे किसमें, पेट्रोल में। कितना मिलाया करते थे, तो अभी तक ये जो लिमिट थी ये थी 10%, यानी कि अधिकतम आप 10% मिक्सिंग कर सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं, 10% तक मिलावट कर सकते हैं इसकी, किसकी, एथेनॉल की। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, कि आप इसको 10% से बढ़ाकर कितना कर दीजिए, 20%। कितना कर सकते हैं इसको, 20% तक इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक, अब भाई 10% तक पहले था मिक्सिंग कर सकते थे पेट्रोल में, अब क्या कहा जा रहा है, 20% मिला दीजिए, तो भाई उसके कुछ एडवांटेज होंगे। ठीक है, कुछ सोच के तो डिसाइड किया होगा गवर्नमेंट ने, भाई ऐसा क्यों कह रही है। ठीक है, तो उसका क्या मानना है, गवर्नमेंट का ये मानना है कि भाई जो एथिल अल्कोहल होता है ये सस्ता होता है। ठीक है, क्या फ़ायदे हैं भाई, दूसरी चीज़ सस्ता होता है, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें, ये जो व्हीकल से, गाड़ियों से निकलने वाला प्रदूषण है उसके लेवल को भी क्या कम कर देगा, यानी इनसे वाहनों से जो CO2 निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और हाइड्रोकार्बन जो निकलते हैं, ठीक है, इनके स्तर को भी क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी कहने का मतलब है, यानी वाहनों से होने वाला प्रदूषण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुल मिला के निर्णय ये निकलता है। ठीक है, तो इसलिए क्या कहा जा रहा है कि भाई इसको 10% तक आप मिक्सिंग करते थे, अब इसको कितना कर दीजिए, आप 20% तक आप इसको कर दीजिए। ठीक है, ऐसा किसका कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ऐसा मानना है। इसके लिए इसने, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, इन्होंने क्या किया है, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और आम जनता से, लोगों से राय मांगी है कि भाई हमारा ये निर्णय है तो कैसा ये निर्णय है, ठीक है, कितना इससे फ़ायदा होगा या कितना इससे नुकसान हो सकता है, तो आम जनता से ये एक राय मांगी गई है भाई, तो आप उस वहाँ पर जाके अपनी राय दे सकते हैं। ठीक, अब क्या है, देखिए हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यहाँ पे डिस्कस करने के लिए प्रेजेंट हैं अभी। ठीक है, तो E20 फ्यूल के डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कही जा रही है कि भाई प्रदूषण कम होगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही सोच है। ठीक है, प्रदूषण यहाँ पे कम हो जाएगा। दूसरी चीज़, सस्ता भी है, तो यानी कि भारत को दूसरे देशों से जो तेल आयात कराना पड़ता था, तेल मंगाना पड़ता था, अब हम क्या करेंगे, पहले 10% करते थे, अब 20% मिक्सिंग करने लगेंगे, और ये कहाँ, एथेनॉल कहाँ, हमारे देश में ही है, हम अपने देश का ही फ्यूल यूज करेंगे, उसमें 20% मिक्सिंग कर देंगे, तो बाहर से हमें तेल क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, मंगाना कम पड़ेगा, जिसके लिए हम विदेशों को जो पैसा भेजते हैं वो भी क्या हो जाएगा, पैसा कम भेजेंगे, यानी हमारी GDP इकोनॉमी सुधरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बहुत अच्छा विचार। अब देखते हैं इसके टेक्निकल पॉइंट्स में घुसते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो देखो भाई, 10% तक कहा तो जा रहा था, लेकिन हमारा देश जो है अभी तक 10% भी मिक्सिंग नहीं कर पाया, ब्लेंडिंग नहीं कर पाया, 10% भी कितना कर पाया, लगभग अभी आप मान लीजिए ये लगभग 2 से लेकर 5% के आसपास तक कर पाया ओनली, वो 10% के लेवल तक भी अचीव नहीं कर पाए हम लोग अभी। ठीक है, यानी गवर्नमेंट ने तो अलाउ कर रखा है कि भाई आप 10% तक करो, ये पहली लिमिट थी, लेकिन हम 2 से लेकर 5% के बीच ही झूल रहे हैं, अभी लटक रहे हैं वहीं पर। ठीक है, अब कहा गया 20%। ठीक है, यानी हमारे टारगेट, हमने ऊंची वाली लिमिट, ठीक है, ज़्यादा सेट कर दी, अब हम इसी तक नहीं पहुंच पाए तो 20% पहुंचने में कितना समय लगेगा। ठीक है, और उसके लिए जो भाई ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, जब उसमें 20% ब्लेंडिंग वाला फ्यूल आप यूज़ करेंगे, तो गाड़ियों में भी कुछ मॉडिफिकेशंस करने हैं, जो कंपनी है हमारी ऑटोमोबाइल कंपनी है, उनको भी कुछ चेंजेस इसमें करने पड़ सकते हैं, वो करने पड़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ गाड़ियों पे सिंपल उसको इंडिकेट करना पड़ेगा भाई E20 फ्यूल के लिए ये एलिजिबल है, ये आसानी से उसको क्या कहते हैं यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत उसमें नहीं होने वाली, तो गाड़ियों पे स्टिकर आपको लगे मिल सकते हैं। ठीक है, यानी उनको सिंपली इंडिकेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसके लिए कंपेटिबल है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये जो हम एथेनॉल की बात करें तो बनाया कहाँ से जाता है, तो ये बनाया जाता है बेसिकली कहाँ से, बायोमास से, यानी एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स हो सकते हैं आपके, कॉर्न यानी मक्का जिसको भुट्टा बोलते हैं आप, है ना,
सुगर केन गन्ना हो गया, हेम्प भांग, हेम्प क्या होता है, भांग होती है, पोटैटो या और भी एग्रीकल्चर बेस्ड आपके बायोमास हो सकते हैं। तो अब क्या हेम्प से भांग से ही बनाने लगेंगे भाई ये है? तो भांग तो भाई किस लिए यूज होती है आप सब लोग जानते हैं, ठीक है, तो कुछ छोड़ो यार किसी के लिए सब बनाने लग जाओगे, ठीक है, चलिए वो एक टॉपिक अलग है। तो फिलहाल हम ये कहने वाले हैं कि बायोमास से ये लोग इसको बनाने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे देश में ये प्रोड्यूस होगा एथिल एल्कोहल, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, तो हमारे देश के जो किसान हैं उनको भी फ़ायदा होने की उम्मीद है कि भाई हम देश में ही बना हुआ एथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे तो किसानों को भी कहीं ना कहीं इसको उगाने में मदद मिलेगी, वो भी फसल को बेचेंगे तो उनका भी प्रॉफिट उसमें होगा, फ़ायदा उसमें होगा, तो किसानों को भी इसमें मदद मिलने की उम्मीद दिख रही है, ऐसा माना जा रहा है किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, ठीक। अब देखिए क्या है, ये बायोमास हो गया, इससे ये उगाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। अब देखिए क्या है, एक चीज़ और जान लेते हैं कि भाई पोल्यूशन कम होगा, सस्ता भी है, किसानों की भी मदद हो जाएगी, फिर दिक्कत क्या है, ठीक है, सुझाव भी मांगे गए, तो भाई कुछ एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी क्या है, जो हमारा एक लीटर पेट्रोल होता है, जो गैसोलीन हमारा, अगर फ्यूल की बात करें तो नॉर्मल फ्यूल अगर एक लीटर में, मान लिया एक लीटर में, ठीक है, वो कितना 100 यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी एक लीटर तेल को जलाने पे इतनी एनर्जी मिलती है 100। तो लेकिन जब ये 20% के आसपास इसकी ब्लेंडिंग हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी, तब एक लीटर पेट्रोल से या एक लीटर गैसोलीन से पहले 100 मिल रही थी, अब कितनी मिलेगी, लगभग 2/3, यानी इसका 2/3, यानी आप कह सकते हैं लगभग 67% के आसपास एनर्जी मिलने लगेगी, यानी कि जितना तेल गाड़ी में आप भराते थे तो गाड़ी जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करती थी अब उसका लगभग 66-67% के आसपास करेगी, यानी एनर्जी में थोड़ी ना कहीं, ठीक। तो देखिए क्या है, कुल मिला के किसानों की मदद की बात की जा रही है, यानी कि एथेनॉल प्रोड्यूस होगी। अब एथेनॉल किसान ऐसा थोड़ी ना कुकर में बना रहा होगा, भाई किसान क्या कर गए, फसल ही तो उगाएगा जो यूज होती है वहाँ पे, तो फसल उगाएगा, तो अब क्या होगा, देखो फसल उगाने के लिए उसको लैंड भी चाहिए, एरिया भी चाहिए, खेत चाहिए भाई उसको, ठीक है। अब ये देखो सरकार भी जब इस चीज़ को प्रमोट करेगी, ठीक है, तो क्या होगा भाई, जब किसान को दिखेगा इस चीज़ में पैसा ज़्यादा मिल रहा है तो वो क्या करेगा, ऐसी फसल उगाना चाहेगा जिसमें पैसा ज़्यादा मिलता हो, सीधी सी बात है, ठीक है, तो वो अपना भी प्रॉफिट देखेगा, तो यानी ऐसा हो सकता है अन्य फसलों की अपेक्षा वो इस फसल को ज़्यादा प्रीफर करने लगे, इस फसल को ज़्यादा उगाना चाहे, तो ऐसा भी हो सकता है कि अन्य फसलों को कम उगाए, तो ऐसा क्या हो सकता है भाई, जो खाने वाली फसलें हैं, गेहूँ हैं, धान हैं, इन सबको उगाना हो सकता है कम भी कर सके, ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ें भी वहाँ से अफेक्ट हो सकती हैं, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट का ये कहना है जो सरप्लस है यानी जो एक्स्ट्रा है हम केवल उसी से एथेनॉल बनाएंगे। अब इसको किस तरह से वो मैनेज करेगी गवर्नमेंट, वो तो वही जाने, किस तरह से उसको एडजस्ट करती है, मैनेज करती है, वो देखने वाली चीज़ है, ठीक। तो देखो और क्या हो सकता है भाई, इन फसलों को उगाने के लिए जो आपको पानी चाहिए, ठीक है, जो रिसोर्सेज चाहिए, यानी कि हमारे इंडिया के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उन पे भी फर्क पड़ेगा, उनको भी ज़्यादा डिमांड होगी भाई एथेनॉल का प्रोडक्शन करना, तो ये फसलें आपको उगानी है तो उसके लिए वाटर रिसोर्सेज वगैरह की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पे भी हमारे इंडिया पे इसका लोड, एग्रीकल्चर पे इसका लोड पड़ सकता है, ठीक है। तो देखते हैं टाइम के साथ साथ चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं और क्या क्या सुझाव आते हैं और क्या क्या उनमें से इम्प्लीमेंट हो पाते हैं और कैसे स्कीम आगे बढ़ पाती है कि नहीं बढ़ पाती है। तो फिलहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, E20 फ्यूल, ठीक है, 20% मिक्सिंग लिमिट की गई है, ब्लेंडिंग लिमिट की गई है 20%, तो ये दो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आगे के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल पढ़ाई।